जैसे ही बाल झड़ना शुरू हो जाता है ना, सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाकर के अपना शैम्पू चेंज करते हैं, फटाफट से अपना हेयर ऑयल चेंज कर देते हैं। चलो थोड़ा बहुत DIY करके भी ट्राई कर ले, है ना, कि क्या पता DIY से हमारे जो हेयर फॉल, इतने ज्यादा बाल निकल रहे हैं, मतलब हाथ लगाते ही हाथों में, यहाँ पे बालों का गुच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब ऐसे हाथ लगाओ और आराम से 8-10 बाल तो हाथों में नजर आ ही जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो DIY ट्राई करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें DIY पे भरोसा होता है, और जिन्हें भरोसा होता है DIY उन्हें अपना असर जरूर दिखाती है। अगर आप कोई भी DIY रेमेडी ट्राई करते हैं तो एक या दो बार में कोई भी DIY अपना असर बिल्कुल नहीं दिखाती है, लेकिन कुछ ऐसे DIY है जो एक ही बार में फटाक से आपको अपना असर दिखा जाते हैं। अगर हम बात अपने बालों की करें तो बालों के लिए मैंने कई ऐसे DIY ट्राई किए जो कि एक या दो बार ट्राई करने से ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मैं जो चलो आज इसके बारे में आपसे भी बातें कर लेते हैं और आपको भी बता ही देते हैं। अगर आप भी परेशान हैं अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से, ऐसे ही मौसम चेंज होता है ना, सिर्फ आपके स्किन ही नहीं, आपके हेयर भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। देखो यार, बालों का टूटना गिरना झड़ना अच्छे अच्छे लोगों को ना हेडेक दे देता है, सर दर्द दे देता है। अभी देखो, सर दर्द लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए कुछ DIY ट्राई करने की जरूरत है। और यकीन मानो यार, DIY कभी भी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करता है, भले वो अपना असर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगाए, लेकिन कोई साइड इफेक्ट आपको देकर के नहीं जाता है। अब मार्केट के कोई प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो तो आप एक बार ही सही सोचते तो जरूर हो गया यार, अगर मैंने इसको अप्लाई किया और लगाया अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो साइड इफेक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा। अगर बाल झड़ना बंद नहीं हुए तो और ज्यादा गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन होम रेमेडी एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर आपने लगाया तो बेस्ट रिजल्ट दे ना दे, साइड इफेक्ट कहीं से भी नहीं देगा। अच्छा, वह हेयर टॉनिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे एक या दो बार लगाते ही, मैं तो कहूंगी एक बार लगाते ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको लेना है कलौंजी। जी हाँ, वही कलौंजी जो मसाले में यूज होती है, यानी कि मंगरेल, और एक चम्मच कलौंजी के साथ एक चम्मच लेना है आपको मेथी। ये दोनों किचन में ही आपको मिल जाएंगे। दोनों को मिक्स करके बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेना है। मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखा था एक छोटे से डब्बे में, और ये देखिए कुछ इस तरीके से ही होगा। ये थोड़ा सा दरदरा पिसा रहेगा, बिल्कुल बारीक नहीं पिसेगा। अगर आपको मार्केट में इसका पाउडर मिल जाता है बिल्कुल बारीक तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो घर पे आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से दरदरा पीस करके एक डब्बे में भर करके रख लीजिए। रामबाण नुस्खा है ये आपके बालों के लिए, याद रखिएगा ये बात मेरी। इसके बाद हमको लेना है एक कटोरी, और इसमें आप 1 से 1.5 चम्मच ये वाला पाउडर डालेंगे। मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से मुझे 1.5 चम्मच चाहिए, तो मैंने ले लिया इसमें 1.5 चम्मच। और बस इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें 1.5 चम्मच पाउडर में लगभग 1.5 कप डालना है, याद रखिएगा। मैं मेरे बालों के हिसाब से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें मैंने 1.5 कप भर करके पानी डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा पानी को। इसके बाद क्या करना है, हमें इसे अच्छे से मिक्स करके चढ़ाना है चूल्हे पे। इसे हमें एक उबाल आने तक उबालना है। अब एक उबाल आने तक चूल्हे पे अच्छे से उबाल आने देना है। ये देखिए, जब इसमें अच्छे से एक उबाल आ जाएगा हम इसे गैस से नीचे कर लेंगे। अब देखिए, इससे होगा फ़ायदा ये कि आपकी जितनी भी इस पाउडर में गुडनेस है ना, मेथी और कलौंजी में, वो सारा का सारा ये पानी में आ जाएगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये पानी चाहिए। इसमें जो ये दरदरा पिसा हुआ जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है ना, इस सबको हमको छान के अलग कर लेना है, क्योंकि अगर आपके बाल में लगाएंगे और इसके साथ आपके बाल में मतलब ये पूरी तरीके से निकल नहीं पाएंगे और फिर बहुत बेकार दिखेगा। इस पेस्ट को छान के अलग कर लेना है, चाहे छन्नी से आप छान लीजिएगा या कपड़े से। जो भी इसका पानी होगा अपने बालों के स्कैल्प में, बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। लगा करके आपको 10 से 20 मिनट रहने देना है, उसके बाद आप जा करके अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। चाहे तो शैम्पू यूज़ करें ना करें, कोई कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। बाल धुलने के बाद यकीन मानिए, जैसे ही आप सुखा करके आएंगे ना, आपके बालों पे आपके हाथ फिसलने लगेंगे। आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि आपके बाल इतने स्मूथ भी कभी हो सकते थे। टॉनिक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आंवला रेठा सेकाकाई का ये वाला पाउडर, जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और ये एल्प्स गुडनेस का मैंने लिया है। आप चाहे तो साबुत किराने की दुकान से भी लेके आ सकते हैं और उसे पीस के उसका पेस्ट बना के आप इसे यूज कर सकते हैं, वरना आप ये वाला यूज करें। ये बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ आपको पैकेट से निकालना होता है और बस लगाना होता है। 1 चम्मच भर करके ले लिया है मैंने इन तीनों का मिक्स पाउडर। इसके बाद है भृंगराज, जो कि बालों की लंबाई के लिए जाना जाता है। भृंगराज बड़े ही तेजी से आपके बालों को बढ़ाता है। इसकी जितनी भी गुडनेस है वो यहाँ पे बिल्कुल इजिली मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। और भृंगराज कई
ही सारे हेयर ऑयल में, हेयर DIY में, या फिर आपके बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे मास्क है जिसमें भृंगराज का यूज़ किया जाता है। बड़े ही आसानी से आपको ये किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इन दोनों को अभी पर्पल पे ऑफर चल रहे थे तो मंगाया था। इसके अलावा और भी कई सारे पाउडर के पैकेट मैंने मंगाए थे, क्योंकि यार पाउडर बड़ा ही ईजी आसान तरीका होता है, चाहे फिर आप अपने फेस के लिए कोई फेस पैक बना रहे हो, फेस मास्क बना रहे हो, या फिर हेयर के लिए यूज़ कर रहे हो। मैंने इसके लिए आधा चम्मच लिया है। मैंने आंवला टेठा सिकाकाई का पाउडर 1 चम्मच रखा और इसको आधा चम्मच रखा, क्योंकि उसमें 3 चीज़ें एक साथ हैं और ये सिर्फ एक चीज़ है, तो इसलिए आधा चम्मच हमने इसका ले लिया है। मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद हमें इसे कहीं जा करके गर्म नहीं करना है, छानना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस इसमें नॉर्मल टैप वाटर आपको डालना है, कोई सा भी पानी डाल लो चलेगा। बस इसमें आपको अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पानी डाल देना है। अभी देखो, इसका बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है। तो बस इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करके देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाए और बहुत ज़्यादा एकदम पानी की तरह पतला भी ना हो जाए कि आप जैसे स्कैल्प में लगाओ वो पूरा चू करके ऐसे टपक करके नीचे आ जाए। तो ये देखो, ये थोड़ा सा अभी थिक हो गया है। मेजरमेंट आप अपना देख लेना अपने बालों के हिसाब से, मैं मेरे बालों के हिसाब से ही ले रही थी। सो बस मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया, अभी थोड़ा सा पानी इसमें और डाल, थोड़ा और पानी डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। देखा, कोई मेहनत नहीं करना, किसी चीज़ का जूस या रस बना करके छानना नहीं, उबालना नहीं है, बना करके ठंडा नहीं करना है, बस डायरेक्ट पाउडर डालो, घोलो और बस अपने बालों में लगा लो। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एडवर्टाइज कर रही हूँ, नहीं डालो घोलो लगा लो, है ना। सो ये देखो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये बिल्कुल पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ये ऐसा है कि आपके बालों की जड़ों में जाके बैठ जाएगा और अपना काम करेगा। बस इसके बाद आ गई हूँ मैं फटाफट से इसे लगाने के लिए, क्योंकि अपना वीकली हेयर केयर करने का भी आज मेरा टाइम है। सो सोचा आपके साथ वीडियो भी शेयर किया जाए और मेरा अपना जो काम है वो हो जाएगा। देखो यार, अगर मैं आप बात करूँ आप अभी से साल भर पहले की, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। मेरा स्कैल्प आप देख सकते हो धीरे धीरे कितना ज़्यादा चौड़ा होने लगा है। अभी तो बहुत ठीक है, क्योंकि 1 साल से ये सारे DIY इतना अच्छा इफेक्ट मुझे दे रहे हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब ये सच में घरेलू नुस्खे असर करते हैं, ऐसा ट्रस्ट, ऐसा विश्वास मेरा बन गया है। तो बस जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ आपके साथ सोचती हूँ शेयर भी किया जाए, ताकि मेरी तरह आपको भी इसका फ़ायदा हो सके। देखो, बस अपनी मांग निकालते हुए अपने बालों की जड़ों में इसे लगाते जाना है आपको, पूरे स्कैल्प पे। अगर घर पे कोई और है तो उससे आप करवा लो, नहीं तो भैया अपना हाथ जगन्नाथ, जैसे मन करे वैसे सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से लगा लो। इतना ध्यान रखो कि बस ये जो टॉनिक है ना, वो आपके बालों की जड़ों में जाना चाहिए, आपके स्कैल्प पे जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मांग निकाल निकाल करके पूरे अच्छे से स्कैल्प पे मैं इसे लगा लूँगी। सारा का सारा हेयर टॉनिक लग के कंप्लीट हो गया, इसे छोड़ दूंगी एंड इसके बाद कर लूँगी हेयर वॉश। मिलती हूँ हेयर वॉश करने के बाद। एंडी टेंटा, फाइनली मैंने कर लिया हेयर वॉश। लगाने के 2 से 3 घंटे बाद मैंने जाके नॉर्मल पानी से अपना बाल धोला है। आप चाहो तो शैम्पू कर सकते हो, आज मेरा शैम्पू डे नहीं था, इसलिए वीक में सिर्फ एक दिन मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ अपने बालों पे। और बाकी दिन अगर मैं DIY कुछ ऐसा DIY ट्राई करती हूँ जिसमें स्मेल नहीं है, जिसकी नेचुरल स्मेल मुझे अच्छी लगती है, नेचुरल फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैं सिर्फ पानी यूज़ करती हूँ, शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ। और ये जो तीनों पाउडर है ना, ये इतने अच्छे फ्रेग्रेंस देते हैं आपको आपके बालों में, अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और ये देखो, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि एक भी बाल निकले तो मैं आपको दिखाऊं। और देखो, नॉर्मली बाल सबके गिरते हैं, सबके झड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बाल बिल्कुल झड़ेंगे नहीं। 150 बाल तो डेली रेगुलर बेसिस पे झड़ते ही हैं, कम झड़ते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने बाल आपके टूटते हैं, हर रोज़ टूटते हैं। लेकिन देखो, प्रॉब्लम तब है जब आपके बाल टूट रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम तब होती है। अगर आपके बाल टूट भी रहे, ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सो बस बालों को मजबूत, घना, लंबा बनाओ यार इन DIY रेमेडीज के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिया है आमला पाउडर एल्स गुडनेस का, और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पर्पल, कहीं से भी आप इसे ले सकते हो। आंवला एक ऐसी चीज़ है ना जो बालों को रीग्रोथ करने में और बालों को लंबे समय तक मजबूत घना बनाने में बहुत हद तक काम करता है। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे मेथी और कलौंजी का मिक्स पाउडर। इसके बाद हम दोनों को मिक्स कर लेंगे।
एक चम्मच भरकर की मैंने लिया आंवला पाउडर और एक चम्मच भरकर की मैंने लिया मेथी और कलौंजी का पाउडर और इसमें मैं डाल रही हूँ नॉर्मल पानी। कुछ इस तरीके से इसे मिक्स करके हमें इसे एक उबाल आने तक चूल्हे पे रखना है। ठंडा हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा और आपको इसे डायरेक्ट बाल में नहीं लगाना है वरना फिर परेशानी होगी, आप बालों में से इसे निकाल नहीं पाओगे आसानी से। आपको इसे छान करके अलग कर लेना है, कपड़े की हेल्प से, चाय छन्नी की हेल्प से आप छान करके अलग कर लो। अलग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बनकर के तैयार है। तो कुछ इस तरीके से मैंने रूट से लेकर के लेंथ तक अपने इस DIY को अपने बालों में लगा लिया है। आधे घंटे से 45 मिनट रहने दूंगी, उसके बाद मैं कर लूंगी हेयर वॉश। आफ्टर हेयर वॉश आप देख सकते हो, एक तो ये बालों को नेचुरल शाइन देता है, आंवला लंबे समय तक आपके बालों को सफेद होने से बचाता है। अगर आप आंवला या डायरेक्ट यूज करते हो ना कच्चे आंवले का रस, वो भी बहुत फायदा करता है। DIY को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन की कुछ कलियां और आपको ये काम तभी करना है जब आपका स्ट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज, अभी ये नए वाले प्याज आ रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा साइज का ही प्याज लेना होगा। इन दोनों को मिक्स करके कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद मैंने इनका रस निकाला है, बड़ी मुश्किल से निकाला है। कद्दूकस करने के बाद भी ना मतलब ऐसे लसलसे से प्याज हो जा रहे हैं नए वाले, तो इनको निकालने के लिए मुझे कपड़ों की हेल्प लेनी पड़ी है, मतलब ये छन्नी से भी नहीं निकल रहे थे और फिर मैंने कपड़े में लेकर के निचोड़ा इन्हें अच्छी तरीके से, तब जाके ऐसे निकल के आए हैं, वरना फिर छोटे छोटे से रह जाते हैं ना इसके फर जो होते हैं दाने, फिर वो फंस जाते हैं बालों में, अच्छे भी नहीं लगते और वो निकलते भी नहीं आराम अच्छे से आसानी से। इसके बाद मेरे बालों में ऑलरेडी तेल लगी हुई है, ऑयलिंग हुई है, क्योंकि कल रात को मैंने ऑयलिंग की थी। जब कभी भी मुझे हेयर वॉश करना होता है, शैम्पू करना होता है, उसके एक दिन पहले मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ और जब कभी भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो ये जो प्याज का रस वाला DIY है ना, ये मैं ज़रूर लगाती हूँ। और आपको इस रस को निकाल करके सिंपली बस अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर आपके बाल में पहले से तेल लगा हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से ये वाला DIY कर सकते हैं तेल के साथ में, क्योंकि हम इस DIY में तेल भी ऐड करके लगा सकते हैं। तो आप चाहो तो पहले ऑयलिंग कर लो फिर ये DIY करो, या फिर इसमें ऑयल भी डाल करके आप ये वाला DIY कुछ इस तरीके से बना के कर सकते हो। ध्यान रखना कि जब कभी भी आप ये वाला DIY लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है और अच्छे से मसाज करनी है, जो एक्स्ट्रा बचेगा लेंथ पे लगाना है। पहले सबसे पहले आपको अपने स्कैल्प में उसे अच्छे से लगा के और मालिश करनी है यार, ये इतना इफेक्टिव है, आपकी बालों की जड़ों में जाकर के ना, आपकी जो जड़ें सो गई होती हैं ना उन्हें जाके जगाता है और जितनी ज़्यादा स्टीमली झड़ रहे होते हैं ना बाल, उन्हें ही रोकता है। इसे थोड़ी देर मैं बालों में रहने दूंगी, घर का सारा काम निपटाने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी और शैम्पू करने के बाद आप देखना मेरे बालों का टेक्सचर। तो ये देखो नहा के आ गई हूँ मैं, शैम्पू कर लिया है बालों में और अभी आप देखो बालों का जो टेक्सचर है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरे बालों में कोई भी मतलब ना तो मैंने आज तक कंडीशनर यूज़ किया है और ना ही मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया है, हेयर ट्रीटमेंट ना मैंने स्पा कराई है। और सच बताऊँ तो मुझे इन सब चीज़ों का कोई भी नॉलेज नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं क्या होता है। बस इतना पता है कि कॉस्टली होता है, इसलिए मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और मुझे करना भी नहीं है। मुझे मेरे DIY मेरी होम रेमेडी इतना अच्छा इफेक्ट दिखा रही है, इतना अच्छा असर दिखा रही है मेरे बालों पे, मुझे और चाहिए भी। जब घर की चीज़ों से आप अपने बालों को इतना सिल्की सॉफ्ट बना सकते हो, आप देख सकते हो मेरे बालों पे शाइन यार, मतलब जब लाइट पड़ रही है तो बाल अलग ही शाइन कर रहे हैं। और थोड़ा सा वेव इसलिए आया हुआ है बाल में ना, क्योंकि गीले बालों पे मैंने क्लचर लगा लिया था, घर के थोड़े काम थे इसलिए। अगर आप इसे स्ट्रेट ही सुखाओगे ना बिल्कुल सीधे रख के, और मेरे बाल मैं बिल्कुल सिंपल जो नॉर्मल नेचुरल हेयर होता है मैं उसी में सुखाती हूँ, ना तो मैं इसके लिए धूप में बैठती हूँ और ना ही ब्लो ड्रायर का यूज़ करती हूँ। मैं आपको अपने बालों के साथ कुश्ती करके भी दिखा रही थी कि हाँ देखो मेरे बाल मजबूत हो रहे हैं, अभी भी मेरे बाल मजबूत हो रहे हैं, अभी भी मैं अपने बालों पे काम कर रही हूँ लगातार। जो शाइन आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता होम रेमेडी की वजह से ये शाइन मेरे बालों में आ पाया है। आप ये DIY करोगे ना तो बाल जो झड़ रहे हैं वो तो रुकेंगे ही, साथ में आपके बाल सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे और जो बाल खो गए थे, जो सो गई हैं जड़ें, और बाल जो झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वो रुक जाएंगे। ये प्याज का रस ना, मतलब इसे ऐसा वैसा मत समझना, मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो था, अरे यार बाल स्मेल करते हैं, महकते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो, इसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, या फिर अगर आप उसे भी नहीं खरीदना चाहते तो बहुत ही सिंपल सा काम है, आप गुलाब जल अपने पास रखते हो अपने स्किन के लिए, तो आप इसमें आधी चम्मच से थोड़ा सा कम गुलाब जल ऐड कर दो, आपको बिल्कुल भी प्याज लहसुन की स्मेल नहीं आएगी। और अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना यार, मतलब एक भी बाल उंगली लगाने पर नहीं निकले, जीरो हेयर फॉल आप इसे कह सकते हो कि जीरो हेयर फॉल। और हेयर ग्रोथ मतलब आप जब इसे करोगे ना आपको खुद विश्वास हो जाएगा। बैठे बैठे वीडियो देखने से कुछ नहीं,
नहीं होता है। अगर वाकई आप इस समस्या से परेशान है और समस्या से जूझ रहे हैं तो फटाफट उठिए और इस DIY को ट्राई कीजिए। यकीन मानिए एक बार में ही आपको इतने बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं कि आप इस DIY को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। DIY पे आपका विश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप लाइफ टाइम और कोई DIY करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इस DIY को ट्राई करने के लिए आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे। तो इस मैजिकल DIY को ट्राई कीजिए और अपना पॉजिटिव रिजल्ट नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाइएगा, ताकि जब दूसरे लोग आपके कमेंट को रीड करें तो उन्हें भी इस DIY पे उतना ही विश्वास हो जितना कि आपका बढ़ गया है। आज की मेरी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसे वीडियोस हमेशा देखने को मिलते हैं। हर रोज अपने प्यारे परिवार के लिए एक वीडियो लाने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी कल एक और अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।